नमस्कार, न्यूज रूम लाइव को स्वागत करुछि मु निवेदिता। दर्शक बंधु, आपण जानिथिबे जे जो प्रसंग पूरा राज्यव्यापी वर्तमान समस्तक मनरे राज्यवासीक मनरे उकी मारुछि जे ममिताकु न्याय केबे, ममिताकु न्याय एथिपई जे गोविंद साहू मुख्य अभियुक्त गिरफ होइकला, जे सबु किछि सरीगला तान होए, किंतु आज जदि ममिता मृत्युबरण करछन्ति, जदि ममिताकु निर्मम भावे हत्या करा जायछि, जदिओ गोविंद साहू ताकु अति निर्मम भावे हत्या करछि, केवल सी एथरे संप्रुक्त ना, ताकु ता पछद पटे आहुरी अनेक रहिछन्ति, सेमाने मध्य सामना को आसीबा दरकार। जो प्रतिवाद रे पूरा राज्यव्यापी वर्तमान असंतोषर बन्नी जळुछि, आ प्रतिटी राज्यवासी वर्तमान प्रश्न करुछन्ति जे ममिता को केमती न्याय मिलिबो, जोति पई विरोधी बीजेपी एवं कांग्रेस राजरास्ता को लाइछन्ति, प्रतिवाद रो स्वर सबुठ उठुछि। राज्यव्यापी लगातार आज को ममिता को मृत्यु को 21 रु 22 दिन पूरीबा को बसलाणी, आ ए असंतोषर बन्नी सेतबेले थमिबो जेतबेले ममिता को न्याय मिलिबो, प्रकृत न्याय गोविंद साहू गिरफ होला, किंतु कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र जी की प्रच्छद पटर रही पूरा केलेंकारी रे संप्रुक्त अछंती, मंत्री जाउथिले कॉलेज को एवं सेठारे केमते ओएस जीवन जापन करथिले, रात्रि जापन करथिले, सब सुविधा तांको सेठारे मिलुथला। ए अभिजोग आमे करनु, ए अभिजोग सेई कॉलेज रो छात्र माने करिछंती, एवं गोटिए परे गोटिए अभिजोग मध्ये सामना कसुची तांको विरोध रे, आ गोटिए परे गोटिए अभिजोग रो पर्दाफाश करुची अर्गस। अर्गस सबुबेले लोकों सहित रही आसीछ, आ न्याय कथा जतेबेले आसे, सुरक्षा कथा आसे, सेतेबेले अर्गस लोकों सहित रहिछ। आमे चेष्टा करुछु प्रतिदिन टेक्निक अपडेट आपनको निकट रे पहुचिबा पई, एवं आज आमे आलोचना करबा जो भली भावे ममिता को न्याय देवा प्रतिवाद रे, न्याय देवा दाबी रे पूरा राज्यव्यापी प्रतिवाद रो स्वर उठुची। आपण गजपति कथा कोंतु, गंजाम कथा कोंतु, नुआपडा कथा कोंतु, सुवर्णपुर कथा कोंतु, ए सब ठारे प्रतिवाद रो स्वर उठुची। बीजेपी राजरास्ता कोलाइछि, मुख्य विरोधी दल हिसाब रे बीजेपी रो स्टैंड प्रथम रो रहिछि, आपण जानिथिबे पूरा राजधानी रे मध्ये असंतोष रो निया जळितला, एवं केमती धस्ताधस्ती परिस्थिति उपजितला, अंडा बड़ करा जायतला, ए तमाम चित्र आमे आपनकु देखाइछु। एवं जो भली भाबे 12 घंटिया बंद डाकरा दिया जायछि, कळाहांडी मोहाली सनसाइन स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर को हत्या घटना रे सुवर्णपुर रे 12 घंटिया बंद डाकरा दिया जायछि, आ सहित बीजेपी पक्षरु नुआपड़ा को मध्य बंदा करा दिया जाइछि। ए तमाम घटना को नै आलोचना करबा विभिन्न स्थान रो खूब शीघ्र हम प्रतिनिधि माने जोड़ी हेबे, किंतु हम सहित वर्तमान समय रे जोड़ी छंती सुवर्णपुर रो हम प्रतिनिधि सत्यव्रत प्रधान हम सहित जोड़ी छंती। सत्यव्रत, नियाति जानिबा को चाहिबो जे जो असंतोष रो निया वर्तमान जळुछि, पूरा राज्य जळुछि, एक कथा कुआ जाय पारे, आ समस्त को मोरे से गोटिए कथा जे ममिता को न्याय केमति मिलिबो, न्याय सेतबेले मिलिबो जे ए प्रच्छद पटरे जो माने रहि छंती सेमाने सामना को आसीबा दरकार, आ जो माने ममिता को हत्या पछरे जो माने को हाथ रहिछि, काहेकि ना निर्मम भाबे ममिता को हत्या करा जायछि। केवल ममिता जणे नुहे, एमति अनेक घटना पूर्वरु घटि सारिछि, आ सबुटी गोटिए प्रश्न छै महिला को सुरक्षा केबे एवं केबे न्याय मिलिबो ममिता को, कोन चित्र रहिछि सुवर्णपुर रे, एवं बीजेपी रो दाबी वर्तमान समय रे कोन आसुछि। हाँ देखो, निवेदिता सुवर्णपुर जिला को आज 12 घंटिया बंद डाकरा दिया दी, जिलार 5 ब्लॉक संपूर्ण भाव बंद रही, अखचक सब बंद रही, दुकान बजार सब बंद रही। आपन देखिपे चित्र मुझे कहि वीडियो जर्नालीस्ट को जे हूँ तेल नदी ब्रिज ब्रिज छक आप देखिपे कि भाव गाड़ी लंबा लाइन लगी, शह शह गाड़ी अटकी रही बंद प्रभाव में, बंद को लेकिन सारा जिलावासी तेज सचेतन अच्छा, जिले में समस्ते आज बंद को समर्थन कर स्वतप्रभुत भाव में बंद हो, विभिन्न छक मानक कर्मी मैंने अवरोध कर रास्ता को, सेपटे तरभारे NH 57 को अवरोध करपटे तेल नदी ब्रिज अवरोध कर, तो सीधा सड़क आलोचना करवा आम सह किसी बीजेपी कर्मकर्ता अच्छा कौन कहे वर्तमान आप बंद जो कर बंद सफलता केत दूर पहुँची। सर देखो, अध्यापिका ममिता मेहर मृत्यु घटना एपरी भाव अत्याचार कर खंड विखंड करी मारी दिया ही एवं शेषे पोति दिया ही, तथापि आमे आमर ओडिशा सरकार जो माँ मान सुरक्षा केत दूर यहाँ सपक्ष आसूचे यहाँ आप चिंता करूँ, एवं आमर प्रशासन मंत्री मैंने भागीदार अच्छा, आते दिन पर्यंत सीबीआई तदंत माने असल दोषी प्रकट न हुए सेते पर्यंत सेते दिन पर्यंत आमर स्ट्राइकटा बलवत्तर रहिबो, एवं आमे सरकार को जणै देउछु जे आगामी दिन में आहुरी
विशेष भाव रे स्ट्राइक रा करा जीवो देखो निवेदिता जहाँ कहते आंदोलन तीव्रतर हे और गाँ गहलू आंदोलन आरंभ हम एवं वर्तमान जिते पर्यंत सरकार चेतुना जिते पर्यंत सीबीआई तदंत ये केवल ममिता जे गोटे गोटे झीओ कथा नुहे आज पूरा राज्य सहित अच्छी एवं पूरा राज्यवासी वर्तमान गोटे प्रश्न पचार ममिता को न्याय केबे फेरी भी सत्यव्रत आपको आम सहित हुलेश्वर हंस आम प्रतिनिधि अच्छा सहित अच्छा ममिता भाई नियाती प्रतिक्रिया शुणा को चाहिए हुलेश्वर कौन प्रतिक्रिया रखुच्च ममिता भाई नियाती संवेदनशील घटना कष्ट लगुव कहीं भौणी को न्याय पर बर्तमान सब भाई मैंने ढाई ममिता सहित पर सहित अच्छा घटना को दीर्घ एक दिन पूरी बसला कौन न्याय आशा करुंच बर्तमान समय गोविंद साहू तो गिरफ्त हो गला किंतु केवल से जड़े ता नुहे ए पूरा घटना रे आउरी अनेक व्यक्ति जड़ित अछंती किंतु सेमान को तदंत परिसरभुक्त करा गलानी हां देखंतु निवेदिता आमे अछो ममिता मेहरों को गा झरणी गा रे अछो तांकर बड़ भाई आम सहित अछंती प्रतिज्ञा ना बर्तमान घटना घटिवार 21 दिन 22 दिन बीती गलानी किंतु गोविंद साहू को पुलिस गिरफ्त करी तेरे बर्तमान आप कमी देखुं कौन आप आशा कर गोविंद साहू बर्तमान गिरफ्त हो जेल जेल अच्छा तो बर्तमान क्या हाथ अच्छी कौन आप ये मान से संपृक्त निश्चित भाव दंड देखो तो ममिता जो घटना अच्छे से घटना को सारा राज्य बर्तमान निया चलती तेज आप क्या दोष कर मुख्य लक्ष्य से ताकि फाँसी तारे आम सरकार नवेदन करदि किए ये संपृक्त अच्छा उचित तदारख कर उचित दंड देखो गत किछि दिन तले जो राज्य बीजेपी दल विभिन्न कर्मकर्ता एवं आज कांग्रेस रो केंद्रीय टीम एक टीम आसुछि अपन गां को अपन को परिवार को भेटिबे एटा को अपन कोन दबछन्ते ओ तो सर्वप्रथम जो माने आसुछन्ते हम पीड़ित परिवार को भेटि हम धन्यवाद देबी बहुत बहुत धन्यवाद तांकर बहुमूल्य समय नष्ट करली समान जहां भी हमको पीड़ित परिवार को आश्वासन देबा आसुछन्ते और आसला जो घटना घटी से विषय में गुहारी जनबू विभिन्न समय महिला दल आप पर आसवेदना जानते मोहाली कुल की जाती कौन से कौन आश्वासना देखते आश्वासना दौरान से निश्चित भाव में आपयोग करूँ पश्चिम अच्छा निश्चित भाव में दोषी कमी दंड पाव तार व्यवस्था करुचु निश्चित भाव से आश्वासना दौर देखो नवेदिता आम कथु ममिता मेहर बड़ भाई सहित सीधासल आलोचना करते कहते कि विभिन्न समय विभिन्न महिला दल और विभिन्न राजनीतिक दल आसी पर समबेदना जाना सहित ममिता मेहर हत्याकांड को निंदा करते तेज बर्तमान मुझे अपडेट देवा चाहूँ आपको किसी समय तले किसी समय पर कांग्रेस कांग्रेस प्रतिनिधि दल जाए ममिता पर भेटे तो ममिता पर भेटे और प्रथम रू बीजेपी पर भेटी सारी आश्वासना समस्ते दौरान ममिता को कमी न्याय मिल समस्त चेषा जारी रही है दिगरे भुवनेश्वर फेरी भी आपको पाक आम सहित आम प्रतिनिधि गजपति जितेन्द्र बारिक अच्छा जितेन्द्र ए स्वर गोटे स्थान में सीमित ना पूरा राज्यव्यापी बर्तमान निलुची आसतोष रियाति जो रही दल रुखिया निकट में पहुंच एक समस्त मन में आशा अच्छी समस्त मुहर से गोटे कथा ममिता को कमी न्याय मिले विशेषकर आप गजपति अच्छा स्वर गजपति में तेजुची बीजेपी प्रतिवाद करुच्ची बारगंजिया बंद डाकरा जाए विभिन्न स्थान में गजपतिर चित्र कौन बर्तमान समय देखु निवेदिता निश्चय भाव आप जानते घटना को 26 दिन ऊर्ध समय बीती गला तथापि पुलिस कहुजाऊ कि दलय नेता मान चाप रही जो जो गोविंद साहू को केवल आरेस्ट करा छड़ा अन्य जो अभियुक्त मान अच्छा कि एफआईआर जहाँ ना अच्छी से आरेस्ट करनी कितु भारतीय जनता पार्टी पक्ष जिलावापी गोटे पर गोटे थाना घेरा करीधा साल प्रथम आपको से चित्र देखा चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो कर्मकर्ता अच्छा पालाखिनी विधायक दिया जीवो एवं
ଏହିପରି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ओके आम चेषा करुच खूब शीघ्र जितेन्द्र सहित जोड़ा किंतु आम सहित ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाक अच्छा पीतांबर राज्यव्यापी वर्तमान ए असंतोष कोहलुची राज्यव्यापी वर्तमान ए असंतोष निया जलुची आउ समस्ते से गोटे प्रश्न पचारुचंती जो राज्य में कहुच महिला सुरक्षा कथा उठू महिला न्याय कथा उठू से राज्य में एमती गोटे पर गोटे घटना रही गोटे पर गोटे घटना घटू उदाहरण गोटे ना अनेक उदाहरण रही पूर्वर से विषय में आलोचना करवानी कितु जो स्वर वर्तमान उठू बीजेपी विभिन्न स्थान में प्रतवाद करुच्च आज कंग्रेस टीम जा ममिता पर भेटे पूर्वर बीजेपी आश्वासना देखिए वर्तमान ब्रह्मपुर चित्र कौन कौन प्रास्तविक दावी करजेपी कौन दावी कर निवेदा निश्चित भाव जो भाव में सारा राज्य में तुम्बि तोफान होशेष भाव ममिता मेहर भि झील मान के न्याय एवं विशेष भाव से ही कलाहांडी कलाहांडी घटना सीमित नहीं राज्य तमाम ये चित्र सामना को आसुची मो सहयोगी कह से चित्र देखाए वर्तमान विशेष भाव आज गंजाम एसपी कार्यालय को किसी समय पर घेराव कर घुमुसर जिला तरफ घेरावर डाकरा दि जाइपाई आसंता काली ब्रह्मपुर एसपी कार्यालय घेराव कर बीजेपी जो भाव जमी नीति नियम कर तो आलोचना करवा जो भाव में कार्यक्रम कौन रही विरोध करुंट ममिता मेहर को न्याय आज्ञा आज कौन कार्यक्रम रही केमती ममिता मेहर को न्याय दीर्घ दिन है आप दल एम दाबी कर दाबी करुच्ची एवं युव मोर्चा यहाँ हाथ को नहीं आम जोरदार विक्षोभ हम जिते न्याय न मिली ममिता मेहर को युव मोर्चा आउ बीजेपी मिसी आम राज रास्ता को ओल्लबू आय न मिलला जाए विक्षोभ जारी रहा विशेष भाव कलाहांडी ना पूर्व आप देखि परी कथा ता पूर्व देखि जाजपुर स्मिताराणी कथा एमती गोटे पर गोटे नारी एभली भाव में शिकार होती एमती हत्या करोति दि जा पोड़ी दि जाती देखती पीतांबर भाई आज जो समाज ओडिशावासी देखुचंती जे नवीन सरकार विगत दिन रे नारी को माँ को सम्मान जो नारा दौंती नारी को कौ प्रकार सुरक्षा दौंती तार नमूना होची आमर ममिता भौणी एभली भाव में आपण बहुत तथ्य अच्छी बेबिना हो कुंदुली पीड़िता हो आज भारतीय जनता पार्टी ए जो माँ को सम्मान महिला को सम्मान जो नारा देकर बीजेडी सरकार ए जो चलेगी यार प्रतिवाद करने आज युव मोर्चा तरफ कार्यक्रम चलती आग को आगे तीव्रतर करा लड़ाई आलोचना करवा आज आप एसपी ऑफिस आज एसपी ऑफिस आगे धारणा देवे विक्षोभ करेंगे न्याय मिल तो आशा करुचु न्याय निश्चित मिल जो पर्यंत न्याय न मिली आम यही भाव संघर्ष जारी रखू राजस्ता को ओल्लबू ममित मेहर को न्याय देवाई भरपूर चेष्टा कर निश्चय देखो वर्तमान विजु जनता दल जो भाव कार्यक्रम करुँच आज सारा ओडिशार आज नारी को नारी मान धर्षण विभिन्न आप आगु देखी परी घटना देखी कुंदुली घटना देखी आज ममिता मेहर को ममिता मेहर को जो भाव गृहमंत्री ए राज्य गृहमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र तांकर इंगित गोविंद साहू जो भी ममिता मेहर को धर्षण करी हत्या करी पोड़ी दे जो पोति देते तार न्याय आज सारा राज्य में आज ए आंदोलन जारी मुह खोलना आज्ञा डिमांड कौन करेंगे आज डिमांड कौन रोच प्रमुख दाबी कौन देखो नवीन बाबू जो नारा था माँ को सम्मान आज माँ को सम्मान केवल प्रहसन परिणत हो खाली आज ममता कथा पड़ी छबिना बेबिना छबि राणी ठू आरंभ कर रश्मिता बहुत कथा जाजपुर ठू आरंभ कर केउझर मयूरभंज गंजाम गंजामर भी दीदी टा केस भी विगत दिन में आंदोलन ओले दिलो पाखो को भुवनेश्वर रु खबर आसुची बीजेपी एको बडो रैली बारिची बीजेपी रो एवं प्रथम रु बीजेपी विरोधी दल हिसाब रे प्रसंग रे स्टैंड नै आसीची विभिन्न स्थान रे प्रतिवाद रो सोर उठुची एसपी को काजळ घेराव करा दउची नवीन निवास को मध्य दोषी पेसवा चेष्टा करा जैतला तनु कोटरा कोटी ए प्रयास तर चालू मध्य रहिची सिद्धार्थक नै चलछु रोशन रथ अब प्रतिनिधि अछंती ताजा चित्र देखबा रोशन जे प्रथम ही बीजेपी स्टैंड नहीं आसी अनेक प्रतिवाद सत्ते बीजेपी कोनोसी प्रकार हार मानिबा को तैयार नहीं ए चित्र पूरा राज्यव्यापी सामना को आसुची रोशन लड़ी, लड़ी, लड़ी
रोशन जे ताजा चित्र कोन जे प्रथम रु ही बीजेपी एतरे सोर उठाई आसी छ कोनोसी प्रकार तैयार नाही बीजेपी जे बचू पई बसी जीव ए सोर से प्रथम रु उठाई आसी छ कोन ताजा चित्र रोई छ राजधानी रे चलिबो नाही चलिबो नाही बीजेपी सरकार दुर्नीति ग्रस्त सरकार चलिबो नाही चलिबो नाही चलिबो नाही बीजेपी सरकार नारी हत्या कर चलिबो नाही चलिबो नाही चलिबो नाही बीजेपी सरकार तो नारी दर्शन कर चलिबो नाही चलिबो नाही चलिबो नाही बीजेपी सरकार तो नारी दुष्कर्म से चलिबो नाही रोशन आमे सुनी पाछु रोशन कोन ताजा चित्र सामना को आसी राजधानी रोशन देखो तो अपन देखि पाथुबे वर्तमान ममिता मेहर हत्याकांड घटना रे डीसीपी ऑफिस घेरो करिया पई भुवनेश्वर जिला बीजेपी तरफ रु वर्तमान युवा मोर्चा तरफ रु एवं बीजेपी जो माने भी वरिष्ठ नेता छ वर्तमान डीसीपी ऑफिस घेरो पई जाउ छथि एवं राजधानी रो रूपाली छक रे रैली बाहरि अपन सीधा सब चित्र देखि पाथुबे शताधिक बीजेपी कर्मी एवं नेता माने अछथि बीजेपी रो जे राज्य युवा मोर्चा रो सभापति उराशीष आचार्य मध्ये अछथि सेमानकर दाबी रहउछि जे गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र जहाँ नाँ अभोग रोचे जे मुख्यतः ममिता मेहर हत्याकांड घटन कौटि ना कौटि इनवल्वमेंट रोचे तेणु प्रथम मंत्रिमंडल बरखास्त कराऊ पुलिस तदंत ठीक भाव करूँ मंत्री को गिरफ्त कराऊ तदंत जेहेतु कौटि ना कौटि भाटपोड़ा होवार अभोग तेणु सीबीआई को तदंत भार दि जाऊँ तेणु बर्तमान डीसीपी अफिस् जिते सब जिलार एसपी अफिस् आगे जिला बीजेपी युव मोर्चा तरफ धारणा दि जाऊँच विक्षोभ प्रदर्शन करेक्षी आज भुवनेश्वर में डीसीपी अफिस् घेरपाई बीजेपी युव मोर्चा बाहर आपको सीधा सर चित्र देखि पार्टी आम प्रतिक्रिया ना दिल्ली महंती आम सहित सर क्राइम आपणकर दाबी कौन रही बर्तमान तो पुलिस तदंत कर पुलिस तो बर्तमान तदंत कर आपणकर दाबी कौन रही पूरा घटना पुलिस तदंत करूनि कम तदंत करुच्छी नाटक बेसी करुच्छी ओडिशा पुलिस रो तदंत प्रक्रिया हास्यास्पद है साधारण लोक भी जान सारे पुलिस तदंत प्रक्रिया एक नाटक जहाँ स्क्रिप्ट तैयारी से अनुसार एम नाटक करने बाध्य तार कारण हूँ ओडिशारे डीजी पुलिस चाकरी आ एक्सटेनसन अच्छा सरकार दयारे डीजी पुलिस अच्छा दयारे चाकरी से अनुसंधान करें कहचु अनुसंधान हम जिते बड़े मंत्री तो दायित्व छाड़े तेणु ये मंत्री दिव्यशंकर मिश्र बहिष्कार करतु ताको गिरफ करतु ताले तदंत ठिकणा रास्त यही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज राजरास्त भुवनेश्वर देखुले बर्तमान प्रथम तो दिव्यशंकर मिश्र को गृह मंत्रिमंडल बहिष्कार कराऊ युव बीजेपी सभापति इराशीष आचार्य अच्छा सीबीआई तदंत कहीं आपण मैंने दाबी करतमान तो राज्य पुलिस तदंत कर सारा राज्य में आपड़ देखिए युव मोर्चा तरफ एसपी अफिस् घेरा होमर मुख्य दाबी रही कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को एरेस्ट कराऊ तुरंत इस्तफा कराऊ सीबीआई तदंत कराऊ युव मोर्चा रे रास्ता को ओह्लि सारा ओडिशा आप देखिए जे युव मोर्चा एसपी अफिस् घेरा कर भुवनेश्वर डीसीपी अफिस् घेरा कर आज नवीन पट्टनायक धतराष्ट्र कहते क्यों कारण दिव्यशंकर मिश्र सीधा फल थे हटाऊ ना मंत्रिमंडल किसी पूजा पड़ी इज्जत जो माने सरकार रही जो माने गादी छाड़ू ना लोक माने फोपाड़ी देवे आगामी निर्वाचन लोक माने निष्पत्ति जो माने माँ
ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ ଅଧିକାରକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସରକାରରେ ରହିବେ ଏ ସରକାର କିଭଳି ସରକାର ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍ୱର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାଣିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜନହିତକାର ସରକାର ସେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୋଇଛି ଯେ ସରକାର, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଯିଏ ମୁଖିଆ ସେ ଅନ୍ଧ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ପୁରପଲ୍ଲୀକି ଯିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଯାହା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବବିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମମିତା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଚାଲୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଏକ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିକି ଯାହା ବିଜେପିର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଘଟଣାର ସବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୂପାଲୀ ଛକରୁ ରାଲି ବାହାରିଛି, ଶତାଧିକ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିପି ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ ରାଲି ବାହାରିଛି, ରାଜଧାନୀ ରୂପାଲୀ ଛକରୁ ରାଲି ବାହାରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଏ ସ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଉଠି ଆସିଛି। ଏବଂ ଯୁବ ବିଜେପି ସଭାପତି ରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ରୂପାଲୀ ଛକରୁ ରାଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆଜି ମମିତା ଯେ କେବଳ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କାହାର ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ, ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା ଏମିତିକି ମାଧବୀ ଲତା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ମିତାରାଣୀ, ଏମିତି ଅନେକ ମହିଳା ଅନେକ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏ ସରକାର ନ ଚେତନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ମହିଳା ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଖୋଦ ଦଳର ମୁଖିଆ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିଆ ଯାଉଛି। ୟାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଆଗରୁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଘଟଣା ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେଥିବ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତେବେ ଏ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଦଳରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା, ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ଘଟଣାକୁ 21 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଯାଉଛି? ଆଉ ବିଜେପିର ଯାହା ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ବିଜେପି ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଯାହା ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କମ୍ କରୁଛି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଏବଂ କାହାଣୀ ସୁରଉଛି, ଡ୍ରାମା ରଚୁଛି, ଏ କଥା ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ। ତେବେ
ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିବାଦର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ରାଜଧାନୀରେ କୋଭଳି ଭାବେ ବିଶାଳ ରାଲି ପାରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ। ଡିସିପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ରୂପାଲି ଛକରୁ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଛି ଡିସିପି ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସ ଚାପରେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୋଲିସଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଶା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏମିତି ଶାସକ ଦଳର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଳିତ ହୁଏ, ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟେ, କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖେନି, କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିକୁ ଅସଦାଚରଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଦୁର୍ଭାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ କାଠୁ ଆଶା କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଦ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାପରେ ରହି ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଚାପରେ ରହୁଛି, ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଦିଗରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ସତେ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ସତେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖାଯାଇଛି? କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଥର ମୋହାଲି କଲେଜକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଅନେକ କଥା ବଖାଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜରେ କେମିତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କ ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳୁଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଖୋଦ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଲି ଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଛାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗୁନି ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା କନା ବୁଲିଆ ଯାଇଛି, ଆଖିରେ କଳା କନା ବାନ୍ଧି ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଶାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ଦୋହରଉଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତମ ସରକାରର ଯେଉଁମାନେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ପୁରପଲ୍ଲୀକି ଯିବ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏ ସରକାରକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅପହରଣରେ ପୁରାପୁରି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛି। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ନିଆଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଗଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦିଆଗଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପରିସର ଭିତରେ ନ ଅଣାଗଲା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତା ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରା ହେଉଛି, ଆଜି ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପିସି ଅଫିସ ଘେରା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲିଟିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ସହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ଚିଆ ପଶୁନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଲଢ଼େଇ 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 ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ।
ममिता मर्डर केस्रे वर्तमान विद्रोह बन्ही देखा मिलूँ एवं कहीं मुख्यमंत्री एपर्तंत मुह खोलूना कहीं कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को एपर्तंत दलर बहिष्कार करना यह विरोध कर वर्तमान बीजेपी रणहुंकार जहार सीधा सड़क दृश्य आपण मैंने देखुं जदि देखा सेठे पुलिस छाउणी होती पुलिस कर्मी बीजेपी कर्मी सहित धस्ताधस्ती करजेपी कर्मी मान टणाउटरा करुंपर जुलम करने आगे आसी जार सीधा सड़क भिजुआल आप देखिपुट देखो बर्तमान आप चित्र देखि पार्थे डीसीपी ऑफिस सामनार जड़े जड़े कर बीजेपी कर्मी की बर्तमान एटू उठाई ना जाते से डीसीपी कार्यालय को धसई पशाप उद्यम करते बीजेपी राज्य जे युव मोर्चा सभापति अच्छा इराशिष आचार्य प्रथम पुलिस एठार उठाई नहींपर जो मैंने भी बीजेपी कर्मी मैंने आसते युव मोर्चार कर्मी मैंने आसते समस्त को बर्तमान पुलिस एटू उठाई नौ चित्र आप देखि पार्थे यह हूँ डीसीपी ऑफिस आगर चित्र बीजेपी जो युव मोर्चार कर्मी मैंने वर्तमान धारणा आसते डीसीपी ऑफिस घेराव आसते डीसीपी ऑफिस आगर वर्तमान समस्त को एठू उठाई नि जातु क्योंकिना क्यों गृहमंत्री प्रति बिवाद विरोध जी बढ़ुची राज्य सरकार से धीरे धीरे बिवाद घेर को आसभरी भाव में सारा राज्य में आंदोलन तेजुची गोटेपटे आप देखिपे कांग्रेस बीजेपी समस्त विरोधी दल वर्तमान राजरास्ता को ओल्लैं पश्चिम ओडिशा कथा कहतु एवं राजधानी कथा कहतु सबुठ वर्तमान विद्रोह बंधी धीरे धीरे जल्बार लगी हूँ डीसीपी ऑफिस आगर चित्र आप देखिपे गोटे गोटे पर बीजेपी कर्मी की वर्तमान एठू पुलिस उठाई नौ गोटेपटे पुलिस एवं बीजेपी कर्मी भितर वर्तमान धस्ताधस्ती ठेलापेला आरंभ हो जाए चित्र आप देखिपे जो बीजेपी नेता मान बाबू सिंह जे जिला सभापति अच्छा पुलिस उठाई नहीं अन्य जो युवक बीजेपी युव बीजेपी नेता मैंने कर्मी मैंने जो मैंने विरोधप आसते जो मैंने वर्तमान डीसीपी ऑफिस घेरावपी आसते जन जना कर वर्तमान समस्त को यठू उठाई नौ पुलिस चित्र आप देखिपे वर्तमान ब्यारिकेड भांगापी जो उद्यम करुलिस बर्तमान उठाई नौ बीजेपी नेता मान हूँ चित्र बर्तमान आप देखिपे धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि क्योंकिना क्यों हाताहाती परिस्थिति सृष्टि बीजेपी नेता एवं पुलिस भितर निश्चित भाव चित्र आम देखिपु रोशन जो भाव में उपस्थित अच्छा घटना को सीधा सड़क आप देखिपुट किंतु जहाँ को तदंत परिसरभुक्त करिया कथा जहाँ को यही विरोध में जहाँ को पचरा जावा कथा किंतु साधारण जनता पुलिस अदाल आक्रोशमूलक रोशन चित्र आप देखिपे महिला कर्मी मैंने जो मैंने आसते वर्तमान समस्त को पुलिस उठाऊँगी हूँ चित्र ये हूँ बाणी विहार छक डीसीपी ऑफिस आगर चित्र आप देखिपे पखापाखि 40-50 रु अधिक बीजेपी नेता को वर्तमान पुलिस एटू उठे सारे वर्तमान अन्य जो बीजेपी नेता मैंने आर्तमान पुलिस उठाऊँगी धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि बीजेपी नेता एवं जो मैंने पुलिस अच्छे सुरक्षा व्यवस्था जो मैंने ब्यारिकेड जो देते समस्त भितर वर्तमान धस्ताधस्ती बलांगीर बंद डाकरा दिया जाइथिला बीजेपी तरफ महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चा नवीन निवास घेराव उद्यम करतिला वर्तमान जिते बड़े सारा राज्य एसपी ऑफिस को घेराव कर आज जिते बड़े भुवनेश्वर डीसीपी ऑफिस घेराव करने उद्यम करा से समय वर्तमान डीसीपी ऑफिस सामनारु वर्तमान पुलिस उठाई नौ बीजेपी कर्मी एवं नेता को जिला बीजेपी सभापति को प्रथम उठाई नहीं अन्य जो नेता मैंने थे आप देखिपे चित्र जन जन को पुलिस एटु उठाई नौ निश्चित भाव रोशन आम सीधा सड़क दृश्य देखिपु क्यों भाव में पुलिस वर्तमान
आक्रोशमूलक हो जाएछि एवं जो साधारण जनता माने रहिछन्ति बीजेपी रो जो कर्मकर्ता माने रहिछन्ति सेमानकु टाणी घोसाड़ी गाड़ी भितर को जोर जबरदस्ती भर्ती करा जाउछि किंतु एई आईन श्रृंखला उपरे एक प्रश्नवाची सृष्टि होछि रोशन कारण जेतेबेले डीसीपी ऑफिस घेराव करिछन्ती ममिता मर्डर केस रे बीजेपी रा कर्मी माने कारण पुलिस जेहेतु कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनै निश्चित भाव रे विरोधी विरोध करिवे किंतु विरोधी को जेबोली भाव रे आक्रोशमूलक भाव रे पुलिस से कर्मचारी माने अरे नवीन सरकार है मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा इस्तफा आदि दावी करी जो मंत्री को जो घंटा गड़ाऊ नवीन सरकार से मंत्री को विरोध में आज भारतीय जनता युव मोर्चा भुवनेश्वर तरफ आज एक विशाल युवक मानी जो आज प्रतिक्रिया रही से मंत्री का बहिष्कार दाबी करते किंतु पुलिस क्योंकि आक्रोशमूलक हो समस्त को वर्तमान डीसीपी ऑफिस बाहर उठे नहीं पुलिस भुवनेश्वर जे जिला सभापति अच्छा बाबू सिंह ताकू उठे निया जो मैंने बीजेपी वरिष्ठ नेता मैंने आज वर्तमान पुलिस एटू उठे निश्चित भाव रोशन जिते दुई दिन तले जिते बीजेपी महिला मोर्चा जिते राम मंदिर छक नवीन निवास घेराव करने को जाते से सामान परिस्थिति देखा मिलता से ही सामान परिस्थिति सृष्टि होता पुलिस आक्रोशमूलक भाव से आक्रमण कर आज जो चित्र से ही सामान परिस्थिति देखा मिलूँ बीजेपी यही कर्मकर्ता मानक टाणी घोषाड़ी गाड़ी भितर को भर्ती करुच्ची पुलिस जहाँ निश्चित भाव में निंदनीय कारण पुलिस यही भाव में आक्रोशमूलक हवा कौनसीना कौन पक्षे देखा जदि देखा निश्चित भाव एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्च आईन श्रृंखला दिग्वे कारण दुई दिन तले जिते आईन श्रृंखला को कोकईरे महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चा माने नहीं बर्तमान तार ज्वलंत उदाहरण देखा मिलूँ यह चित्र ही बयान करुच्चे पुलिस केते दूर आक्रोशमूलक हो पारे एवं जो कर्मकर्ता माने रही टाणी घोषाड़ी गाड़ी भितर को भर्ती करा जाउची जो जगह पुलिस तदंत करिबा कथा से जगह पुलिस चुप रहुची किंतु जेतेबेले विरोधी विरोध करुचंती मुह बंद करने पुलिस आगभर होउची पुलिस आक्रोशमूलक होउची रोशन देखो निश्चित भाव में वर्तमान पूरा प्रश्न रोची बलांगीर पुलिस तदंत कारण जहाँ विरोधी अभियोग करते पुलिस केवल क्राइम इंसिडेंट को नहीं तदंत कर भाव में हत्याकांड मामला होता है और गोविंद साहू से घटनार पूरा घटनार मुख्य अभियुक्त था वर्तमान गिरफ्त कर पुलिस कम सारी कितु अंपटे आम जब देखा बहुत गुड़ा प्रश्न पर्यंत रही जमी गोविंद साहू जितेबाला फेरार है किए फेरार कराइला गोविंद साहूर कल रेकर्ड कौन कौन कारण जहाँ सूचना जहाँ विरोधी अभियोग करते गोविंद साहूर कॉल रेकर्ड जदि जांच करा जाए बहुत किसी तथ्य सामना को आसब गोविंद साहू क्यों भाव में राज्यर प्रभावशाली लोकों सहित कंटाक्टर थी फेरार होबापर से चित्र सामना को आसो कहु तेणु केउठिना केउठि दिव्यशंकर मिश्र सहित गोविंद साहू जो भाव में घनिष्ठ संपर्क फटो भाइराल हो जो भाव में कॉल रेकर्ड भाइराल हो गोविंद साहू कॉल रेकर्ड में निजे कहूँ मंत्री को मुझे घटनार ठीक भाव में तदंत हम निखोज ममता को खोजी अणाजी बोली स्थित पुलिस कहीं मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करूना ताकू नहीं बर्तमान विरोधी प्रश्न उठाऊ तेणु यही घटना को नहीं बर्तमान आप देखिपे सारा राज्य में बर्तमान निया जल्वे लगी जो भाव में आंदोलन राजरास्त हंगामा होना क्यों आज जदि देखिए बीजेपी दुई दिन है सब जिलार जिलार एसपी अफिस् आगे धारणा दौर विक्षोभ प्रदर्शन कर जगत सिंहपुर जिला मान आज भुवनेश्वर डीसीपी घेराव करने समय रोशन यही दृश्य आम देखी पार्चे कि पुलिस आक्रोशमूलक हो पड़ी एवं बीजेपी जो कर्मकर्ता रही थे इराशिष आचार्य कथा कहतु बाबू सिंह कथा कहतु टाणी घोषाड़ी जोर जबरदस्ती गाड़ी भितर को नि पूरा घटना नजर रखी था आम सहित रही था रोशन बर्तमान जी आम ब्रह्मपुर को ब्रह्मपुर में वर्तमान आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि पीतांबर पीतांबर वर्तमान ब्रह्मपुर स्थिति कौन देखुं बीजेपी कर्मकर्ता मैंने वर्तमान डीसीपी ऑफिस घेराव करने को जाठाकर स्थिति कौन रही
निश्चित भाव जो भाव में आपको पूर्व देखाऊँ जमीक ब्रह्मपुर कथा कह गंजाम जिला एसपी अभिमुखे बाहर एसपी कार्यालय अभिमुखे बाहर आज्ञा कौन कहे ममिता मेहर घटना केवल ममिता मेहर ना पूर्वर परी कथा कह स्मिताराणी कथा कह गंजाम जिला कथा कह आपण अंचल जमी कथा कह सब घटन केमती देखुं न्याय केमती मिल देखु ये हूँ अत्यंत श्वासकतर विषय एवं दुर्भाग्यजनक विषय जे बीजेडी सरकार ने कोभली भाव में नारी मानू निर्यातना करवल आज जो ममितार कथा नुह आज आप देखिथे छबिना इतिना बबिना माधवीलता एसपी सौम्यरंजन कथा जे बीजेडी रो हात बारसी पुलिस किपर भाव में जो दिव्यशंकर मिश्र हो कि बीजेडी रो जो मैंने कोई कार्य करत्यार जड़ित रोचु घंट घोड़ोदार तीव्रतर विरोध होते पूरर पल्ली आरंभ कर विशेष भाव वर्तमान एसपी अभिमुखे आपण मैंने बाहर आज केमती विरोध करेंगे केमती ढंग से विरोध करेंगे देखो कथार जो अच्छी जाणी जी ताको चेतव किए से परिप्रेक्षी भारत जो बीजेडी सरकार जो दीर्घ 22 वर्ष हो जो शासन गादी अच्छा प्रमुख नेता मैंने आज जो दुर्नीति जो ये महादुष्कर्म जो अभियोग मानने निवृत्त अच्छा तो विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आज सारा राज्य आज राजस्थान ओल्लई दिव्यशंकर मिश्र को जो पर्यंत बहिष्कृत नक सरकार से ही पर्यंत भारतीय जनता पार्टी तर आंदोलन दीर्घ दिन है दाबी कले कि शुणुना इमिति सरकार शुणा रास्ता घाट में मद दुकान खोल कर मद को चाखणा माइकना करुँचे सरकार शुणा कौन कौन रास्ता घाट गाँ को रास्ता सामिल होती विरोध करीव्रतर विरोध होती हजार हजार कर्मी ये लड़ई निरवच्छिन्न चलो गाँव रु दिल्ली पर्द चलो नवीन सरकार जो जो भाव में असंभव निरवता अवलंबन करी निर्यातना हत्या विरुद्ध मंत्री संप्रति संपर्क में किसी कहूना ये लड़ाई से पर्यटन चलो पंचायत हम गाँव रहा पूरापल्ली लड़ाई भाव आम जेहेतु राज्य स्तर नेता आज्ञा जिते बड़े आप कलाहां आरंभ कर राज्य तमाम एमती कि दिल्ली में आंदोलन तीव्रतर है केमती देखुं निश्चित भाव में कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा नदवा पर्यंत आमर लड़ई जारी रते दिन पर्यंत कैप्टेन मिश्र निज पदवी रे अछंती एवं दोषी को सुरक्षा दौंती ममिता मेहर को न्याय मिल पार ना आमर दुईटी मुख्य दाबी कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र बहिष्कार और घटना को सीबीआई को हस्तांतर करा जाउ निश्चित भाव सीबीआई को हस्तांतर करा जाउ एवं जो भाव में मंत्री बहिष्कार को लेकिन आंदोलन तीव्रतर हो सहयोगी कह से चित्र देखा कमी एत विराट राली नवीन सरकार सब महिला को लेकिन राजनीति करते आज किंतु महिला आज निर्यातिता महिला आज असहाय सारा राज्य में महिला मानक जो अत्याचार होती तार तीव्र विरोध करुँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव जमीक आप शुणुले बीजेपी पक्षर आंदोलन जोरदार हो जो भाव में ये आंदोलन को तीव्रतर करजेपी जो भाव आपको आम चित्र देखाऊँ जे विराट राली विशेष भाव घुमुसर जिला संगठन तरफ जो भाव में प्रत्येक महिला कथा कह जुवपीढ़ी कथा कह समस्ते राली में सामिल होती आम आपन को चित्र देखाऊँ जो भाव में एत संख्यार लोक जमा होती विशेष भाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कथा कह जनसाधारण कथा कह राली जो भाव में जमी मंत्री बहिष्कार दाबी कथा कह सबुक नहीं कि वर्तमान समय पूरा गंजाम जिला एसपी कार्यालय अभिमुखे बाहरी बीजेपी राली मंदाकिनी तबे पीतांबर किंतु गोटे कथा जे पूरा राज्य रे वर्तमान विद्रोह रो बन्ही चलुची ब्रह्मपुर रे वर्तमान जाउछंती घेराव करबा पे एसपी ऑफिस एपटे नुआपडा रे मध्ये बंद डाकरा दिया जायछि सेपटे सुवर्णपुर मध्ये बंद डाकरा दिया जायछि पूर्वरु मध्ये अनेक जिल्ला रे बंद डाकरा दिया जायतिला किंतु ना एपर्यंत मुख्यमंत्री सामना को आसुछंती ना कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रंकर देखा मिलुची निश्चित भाव मंदाकिनी आपड़ जमी कहते जे मंत्री एजाए कहीं मुह खोलूना कहीं प्रतिक्रिया मिलूनी ये सब कुछ नहींक जदि देखा मंत्री प्रतिक्रिया मिलूनी ये जो भाव में आप जानते से अंचलवासी कथा कह कलेज जो कर्मकर्ता रही बारंबार एमती अभोग कर भाव में मंत्री संप्रति को नहीं कि सरकार वर्तमान चार विद्रोह बन्ही चलु पूरा घटना पर नजर रखु पीतांबर आम आसबू आप वर्तमान आपको नहीं जाऊँ बौद्ध जिला को बौद्ध में उपस्थित अच्छा आम प्रतिनिधि सीताकांत सीताकांत वर्तमान बौद्ध स्थिति कौन देखुं सेठी केमिति रही परिस्थिति
देखु बौद्ध जिले में सामान स्थित देखा लगुच कहीं बर्तमान बीजेपी पक्षर आज एसपी ऑफिस घेर करने वर्तमान अभिमुखे बाहरी बीजेपी कर्मी और युव मोर्चा तरफ एसबू वर्तमान अच्छा आम सहित बीजेपी कर्मी मैंने अच्छा आम सीधा सड़क भाव में आपको चित्र देखी कि भाव में अच्छा बीजेपी ऑफिस एसपी ऑफिस घेर कर प्रस्तुति वर्तमान जारी रही बीजेपी पक्षर दावी कर कौन कह आज्ञा आज कि भाव में एसपी ऑफिस घेर कर कौन न्याय मिल देखु आमर प्रमुख दावी है ममिता मेहर जो ब्रुटालिटी मर्डर कर सरकार कुंभकर्ण निद्रे शोई आम चाहू प्रकृत दोषी की धरा जाऊ जेहेतु आमर गृह राष्ट्रमंत्री आमर जो अच्छा दिव्यशंकर मिश्रंकर बहिष्कार सीबीआई तदंत आमर मुख्य दाबी से आज आम भारतीय जनता पार्टी बौद्ध जिला तरफ महिला मोर्चा युव मोर्चा और समस्त कर्मकर्ता आज एसपी को महामहि राज्यपाल उद्देश्य देवु ताकि तुरंत सीबीआई तदंत को परिभुक्त करूँ गिरफ्त करूँ ना सारा ओडिशार आम निबू तार कारण है जे अन्याय बहुत प्रबंध चलीगला तेणु कुंभकर्ण सरकार तुरंत किपर न्याय देवे नारी समाज को माँ को सम्मान। नारा हूँ माँ को सम्मान जो सरकार दौर निश्चित बौद्ध में समान परिस्थिति देखा मिलूँ बीजेपी पक्षर वर्तमान बौद्ध में एसपी ऑफिस घेराव करने को समस्ते जापटे ब्रह्मपुर में देखा ब्रह्मपुर से समान परिस्थिति बीजेपी कर्मकर्ता माने वर्तमान एसपी ऑफिस घेराव करने जाती ब्रह्मपुर सेपटे भुवनेश्वर में डीसीपी ऑफिस घेराव को कराया जाता बेले बीजेपी कर्मकर्ता उठाई नहीं जोर जबरदस्ती पुलिस से पुलिस आईन श्रृंखला परिस्थिति उपर एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती बीजेपी जो नेता थिले इराशीष आचार्य एवं बाबू सिंह को मध्य पुलिस से जोर जबरदस्त उठाई नहीं अनेक कर्मकर्ता को मध्य उठाई नहीं पुलिस से तेबे पुलिस कार्यदक्षता उपरे मध्य एक बड़ प्रश्नवाची वर्तमान पक्षरे सृष्टि होउछि। तेबे ममिता मर्डर मामलें वर्तमान सारा राज्य में विद्रोह बनी चलुची किंतु जदि देखिबा ना मुख्यमंत्री देखा मिलुची ना मुख्यमंत्री मुह खोलुचंती ना गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र सामना को आसुचंती पूरा राज्य रे वर्तमान विद्रोह जेतेले बन्ही चलुची चारियाडे ममिता को न्याय देबा पई समस्ते आगभर होईचंती सेपटे बीजेपी रा कर्मकर्ता को पुलिस से बलपूर्वक उठाई नेउची किंतु एपर्यंत जे गृह राष्ट्र विभाग रो जे मुखिया सी ना सामना को आसुचंती ना मुह खोलुचंती ना गणमाध्यम को कौन सी प्रतिक्रिया देउछंती से केउटारे एमिति अछंती ताहा भी एपर्यंत जणा पडु नै तेबे तांकर नैतिकता दृष्टि निश्चित भाव इस्तफा दबा नै मध्य विरोधी माने वर्तमान आंदोलन को ओल्हाइछंती।